हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू गेट वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड। वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड मिला है, ये गोवा को मिला है। वेयर हैज़ द सेकेंड काउंसुलर डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड इटली टेकन प्लेस। सेकेंड काउंसुलर डायलॉग हुआ है इंडिया और इटली के बीच में, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द रिवाइज्ड जियो पारसी प्रोग्राम। रिवाइज्ड जियो पारसी प्रोग्राम को लॉन्च किया है स्मृति ईरानी ने। विच स्टेट सिल्वर तारकशी गॉड जी आई टैग। सिल्वर तारकशी जी आई टैग मिला है 2024 का, ये मिला है ओडिशा को। आंसर इज डी, ओडिशा को मिला है और इसमें चांदी का बारीक काम किया जाता है। रिसेंटली जीएसटी कलेक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट ऑफ रुपीज 1.68 लाख करोड़ इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो इंक्रीज हुआ है ये जीएसटी कलेक्शन 12.5%। वेयर हैज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिसेंटली ऑर्गेनाइज पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन। पोषण उत्सव को लॉन्च किया गया है कहाँ पर, ये लॉन्च किया गया है दिल्ली में। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी। रिपीट हो गया, तो ये लॉन्च किया गया है प्रहलाद जोशी के द्वारा। आंसर इज सी। Which has recently become the first Spanish-speaking country to recognize Indian pharma standards? Spanish-speaking country है जिसने recognize किया है Indian pharma standards को, ये country है Nicaragua। Answer is B। Recently, scientists of which country have made इको वैंट ड्रेसिंग फ्रॉम बनाना पील। इको वैंट ड्रेसिंग बनाया है बनाना पील से, केले के छिलके से बनाया है, ये है अपना प्यारा भारत। आंसर इज पी। रिसेंटली द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया हैज इम्पोज फाइन ऑफ रुपीज 5.49 करोड़ ऑन विच पेमेंट कंपनी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 5.49 करोड़ का फाइन इंपोज किया है पेटीएम पे। आंसर इज ए। प्रोजेक्ट ओडिसर्व एम्ड एट एम्पावरिंग द यूथ ऑफ ओडिशा हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, और इसमें 10 जिलों के 60 कॉलेजों के छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के साथ रोजगार दिया जाएगा, और इसको लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ओके, रिसेंटली फॉर्मर न्यूजीलैंड ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन हैज बिकम द कोच ऑफ विच आईपीएल टीम। जेम्स फ्रैंकलिन बने हैं कोच किस आईपीएल टीम के, तो ये सनराइजर हैदराबाद के कोच बने हैं। Who has become the first woman head of flight safety of DGCA? DGCA का full form होता है Directorate General of Civil Aviation, और ये बनी है श्वेता सिंह। Recently, Felicity Teo has become the new Prime Minister of which country? Felicity Teo बनी है new Prime Minister तुवालू की। In which state has the cemetery of Neolithic children been discovered recently? Neolithic age की नवपाषाण युग की cemetery पाई गई है children's की, ये तमिलनाडु में पाई गई है। With whom has Google recently partnered to combat online misinformation and deepfakes? तो recently Google ने partnership की है शक्ति के साथ, टू कॉम्बैट ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन गलत सूचना जो है और जो डीप फेक है उसके लिए इन्होंने किया है, और शक्ति अखिल भारतीय नेटवर्क है एक।
Which team has won the 10th season of Pro Kabaddi? 10th season won किया है पुनेरी पल्टन ने, और फर्स्ट सीजन कब हुआ था? फर्स्ट सीजन हुआ था 2014 में, और सबसे सफल टीम कौन सी है? सबसे सफल टीम है पटना पायरेट्स। When was National Security Day celebrated? National Security Day celebrate किया गया 4th March को। 4th March को World Obesity Day भी celebrate किया जाएगा। Which country's imaging satellite Pars 1 was launched into space by Russia? तो ये ईरान की सैटेलाइट है, और रशिया का जो सुयूज लॉन्च व्हीकल है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। Where has the first indigenously manufactured hydrogen electrolyzer been inaugurated? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जो है ये इनॉग्रेट किया गया गुजरात में, और इसको बनाया गया है लॉसन एंड टर्बो के द्वारा। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.